हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एच डी एम एस सर्विस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपकी कितनी रिफ़िल ओटीपी से डिलीवर्ड हुई है, कितनी ओवरराइड से डिलीवर्ड हुई है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जाना है सबसे पहले सेल्स ऑर्डर में। सेल्स ऑर्डर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा सेल्स ऑर्डर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको आज की डिलीवरी देखनी है कि आज आपने कितना ओटीपी से डिलीवर्ड किया है, कितना ओवरराइड करके डिलीवर्ड किया है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर आना है। ऊपर एरो पे आके आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सिलेंडर डिलीवर्ड टुडे। अगर आपको आज का देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कल का देखना है, और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा सिलेंडर डिलीवर्ड स्टरडे, तो यहाँ पर आप सिलेंडर डिलीवर्ड स्टरडे क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपको काफ़ी पहले दिन का देखना है तो आप सेल्स ऑर्डर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद डिलीवरी डेट में आप कब से कब तक देखना चाहते हैं, यहाँ पर डिलीवरी डेट फ्रॉम में और डिलीवरी डेट जब तक आपको देखना हो, यहाँ पर आप डेट सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर आप गो करेंगे तो उस डेट की डिलीवरी आ जाएगी। तो अभी हमको देखना है कि हमने आज कितना डिलीवर्ड किया है, तो हम यहाँ पर एरो के निशान पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिलेंडर डिलीवर्ड टुडे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, जितनी भी रिफ़िल मैंने आज डिलीवर की है वो इस तारीख यहाँ पर शो हो गई। उसके बाद दोस्तों, यहाँ ऊपर रिपोर्ट आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, रिपोर्ट नेम पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिलीवरी रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों, हमारी फ़ाइल अभी डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको मैं दिखाऊंगा उसमें से किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कितना ओटीपी से डिलीवर्ड हुआ है, कितना ओवरराइड से हुआ है। दोस्तों, फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ये एजेंसी का नेम वगैरह लिख के आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके पहले इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके आगे आएंगे। आगे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये वी नंबर पर एक लाइन यहाँ पर शो कर रही है आपकी डिलीवरी कन्फर्म टाइप। यहाँ पर दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल्टर पर आना है। फिल्टर पर आने के बाद में यहाँ पर लिखना है सिलेक्टेड बाई सेल्स वैल्यू पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर से आपको उसी जगह पर जाना है। जाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का एरो आने लगा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ओवरराइड का, एक ओटीपी का। दोस्तों, आपको ओटीपी पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर वी पर क्लिक करना है। जैसे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी रो सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पर काउंट आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 काउंट लिखा आ रहा है, यानी कि 30 जो रिफ़िल है हमारी ओटीपी से डिलीवर्ड हुई है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ओवरराइड से कितना हुआ है। तो ओवरराइड पर क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे, और देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, और यहाँ पर ओवरराइड से 301 रिफ़िल हमारी ओवरराइड से हुई है। तो यानी ओटीपी से ओनली 30 ही हुई है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ओवरराइड और ओटीपी से जो भी वाउचर हुआ है टोटल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको टोटल डिलीवरी देखना है तो सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 330 रिफ़िल हमारी डिलीवर्ड हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना ओटीपी से हुआ है, कितना ओवरराइड से हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।